हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। ये स्टॉक पिक करने का रीजन क्या है, इसका फंडामेंटल्स कैसा है और आगे ये कंपनी में कैसे ग्रोथ रहेगा, इसके बारे में पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना है। तो ये इसका देखो पी रेशियो देखेंगे तो 22 चल रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने इसी स्टॉक पे जब वीडियो बनाया था तो पी रेशियो चल रहा था 16, तब मार्केट का प्राइस था 120 125। आज मार्केट का प्राइस ऑलरेडी आ चुका है 128। कब वीडियो बनाया था वो देखेंगे तो अपने यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो ये मिड कैप स्टॉक जो था मल्टीबैगर आगे बढ़ने जा रहा है, 126 रुपए के भाव पे चल रहा था, उसके बाद 120 का वो रेंज दिया था, वहां पे आराम से ट्रेड करने को मिला और उसके बाद उसका बायबैक भी आया था और वहां से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। आज का जब मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 178 पे है, हाई 180 190 का कर दिया उसने। अभी सवाल ये है कि 190 का हाई क्या था, जब ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप 120 125 के बीच में कहीं पे भी खरीदेंगे तो कम से कम 180 190 आपको मिल जाएगा। मैं 6 महीने की बात कर रहा था, 4 महीना भी नहीं हुआ कंप्लीट हो चुका है। अभी सवाल है यहां से आगे क्या होगा, अगर किसी को वापस या इस कंपनी में ट्रेड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये भी हमें लास्ट में देखना है तो प्रॉपर देखेंगे। तो प्रोसेस में स्टार्ट कराऊ इस कंपनी का, देखो बिजनेस क्या है, तो गोल्ड और डायमंड का ज्वेलरी बनाते हैं और यूएस और यूरोप में उसका बहुत डिमांड रहता है और कंपनी बहुत पुराना है। और ये प्रोसेस देखो इसमें क्या होता है, इसका अगर कंप्यूटर आप देखेंगे इसका पी रेशो अभी आपको दिखेगा 22 चल रहा है, 20 चल रहा है तो महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप उसके पीयर कंपनी से कंपेयर करोगे जो टाइटन है सपोज दैट, ये तो कल्लन ज्वेलर्स है, तो उनका पी रेशो यही बिजनेस में 97-66 समथिंग है, मतलब इंडस्ट्री के पी से तो बहुत सस्ता कंपनी मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप देखेंगे, इसको तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिटर्न अच्छा चला है, कंपनी डिविडेंड पे आउट अच्छी दे रही है, तो ये है और साथ में सस्ता भी चला। इसका टेक्निकल रीजन भी बताऊंगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए देखो कंटिन्यूअसली कंपनी में ग्रोथ चल रहा है, कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में, और कंपनी प्रॉफिट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है। ईयरली प्रॉफिट देखेंगे तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ते जा रहा था, जरूर 2023 में पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ था और इसीलिए आप अगर चार्ट पे देखेंगे तो कंपनी में यहाँ पे देखो आपको पहले मैं चाहे तो वीकली मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब प्रॉफिट कम हुआ 22 के बाद तो थोड़ा साइडवेज मार्केट ने मूवमेंट किया और यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अच्छा कंपनी आपको कम दाम पे पकड़ना है तो जब मार्केट में थोड़ा उसमें निगेटिव आएगा, कुछ प्रॉफिट कम होगा, एक हद दो क्वार्टर में रिजल्ट कम आएंगे तब वो कंपनी पकड़ने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल ये जोन में हमने बाय करवाया था, वहां से मार्केट ऊपर गया। अभी बात ये है कि जब ये यहाँ पे 120 130 पे हम खरीद रहे थे, मार्केट अभी ऊपर चला गया है, ऊपर का रेजिस्टेंस था 180 पे 190 पे, जो कि अभी अच्छा हो चुका है, 192 का मार्केट ने हाई कर दिया। अभी नया ट्रेड क्या लेना, यहाँ से मार्केट पुल बैक करेगा, नीचे आएगा 155 160 के नियर अबाउट कहीं ना कहीं मार्केट आएगा, 150 160 पकड़ सकते हो, आपको इसको पिक करना है और यहाँ से आगे जाएगा 230 और जैसे 230 इसका लाइफ टाइम हाई और जैसे ही उसे क्रॉस करना चालू करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट है 300। इसके लिए आपको काम करना है, ये मल्टीबैगर स्टॉक रहता है, जो हमने 6 महीने का टारगेट पकड़ा था वो 4 महीने में कंप्लीट हो रहा है। अभी हम 1 साल 1.5 साल के लिए अगर इसको टाइम दे रहे हैं तो आपको 230 भी मिलेगा और उसके बाद 300 भी मिलेगा। और ये अगर स्टॉक अगर देखो अभी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा लास्ट वीडियो देख के तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है मार्केट नीचे भी आ रहा है डरना नहीं है, जब तक 120 130 के ऊपर मार्केट सस्टेन है तो ये ट्रेड बिल्कुल सेफ है और 120 को अगर मार्केट क्रॉस करने नीचे जा रहा है तो फिर अलग बात है, लेकिन इतने दूर जाएगा ही नहीं, कंपनी अच्छा चलिए, ये जब भी मार्केट 150 के नियर अबाउट आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये बोलने का रीजन क्या है देखो, कि आप वीकली चार्ट जब देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट आ रहा है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लेकिन इंस्टेंट मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको डेली चार्ट भी समझना होता है। साइडवेज मूवमेंट क्यों हुआ, लगभग अगर आप बात करेंगे तो दिसंबर महीने में पूरा साइडवेज मूवमेंट चला था क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में मार्केट अटका हुआ है, जब भी ये इसको क्रॉस करेगा
नीचे आएगा तो 150 160 में खरीद लेना है, और जैसे ही 180 187 को मार्केट क्रॉस करना चालू कर देगा सीधा 230 पे जाके रुकेगा। तो ये स्टॉक आपको पूरा फोकस में रखना है, और इसका फंडामेंटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और लास्ट वीडियो में इसको और डिटेल में मैंने पूरा बताया था, तो पूरा प्रोसेस इसको हम फोकस करेंगे और अच्छा खासा स्टॉक है, इसमें हम काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब जैसे मैं वापस नया वीडियो ऐसे डालूंगा तो आपको ऑन टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।